सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी आर। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आपका जेई मेन्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। जैसे ही आप जेई मेन्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे इस वाले पार्ट पे, तो पब्लिक नोटिस पर करेक्शन रिलीज कर दिया गया है। इसमें आपकी जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 2 मार्च से 4 मार्च अप टू 10:50 PM तक कर दिया गया है, और जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन फीस है वो आपका 11:50 PM तक कर दिया गया है। ठीक है, 4 मार्च को 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 10:50 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और करेक्शन जो आपका करेक्शन विंडो है वो 6 मार्च to 7 मार्च के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब करेक्शन किस किस चीज के अंदर होएगा वो एक बार आप ध्यान से देखना। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू मॉडिफाई और एडिट द फॉलोइंग कोर्स। आप पेपर एडिट कर सकते हैं, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन CTS पर अवेलेबल ऑप्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप अपनी कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। देखो, मैंने जैसा आपको बोला था, अब अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी चेंज के लिए अभी आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और फाइनल टाइम में आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप फी पेमेंट, ठीक है, ये वो कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है फॉर बोथ अप्लाइड सेशन 1 एंड सेशन 2 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेई मेंस। ठीक है, अब कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर सेशन 1 बट डिड नॉट अप्लाई फॉर सेशन 2 ड्यूरिंग द पीरियड, वो भी ये सारी चीजें अपनी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यू कैंडिडेट्स जो सिर्फ सेशन 2 के लिए अप्लाई किए हैं, वो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी और फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आप कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम में से कोई एक चीज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इनमें से अपनी जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, देखो आप न्यू कैंडिडेट भी कैटेगरी चेंज कर सकता है, सब कैटेगरी चेंज कर सकता है, सिग्नेचर, पेपर कि आपको दोनों पेपर देने या एक पेपर देखना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने कोई गड़बड़ कर दी हो तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है अपना एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई है। कोई बच्चा कल कमेंट कर रहा था कि भैया कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैटेगरी चेंज का क्या प्रोसेस रहता है वो, और अगर नहीं होती है तो क्या उसके आउटकम्स होते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। पर इस वीडियो के अंदर मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।